पिछली बार मानसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह आश्वासन दिया कि आपकी मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगेंगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है 1 हफ्ता से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों की मांग है कि भाई जाति जनगणना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाए, और हम लोग इसी दौरान में, क्योंकि 1 हफ्ता से ज्यादा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी जो है आप लोगों को मोबाइल में जो है हम पहुंचवा देंगे, आप लोग उसमें सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमको ये उम्मीद और आशा है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो ये लड़ाई जो है, जो मांग जो है, जो देश हित में है, राजहित में है, जनहित में है, इस पे, क्योंकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, करना इन्हीं लोगों को है, इसीलिए हम बिना भेदभाव के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जा करके उनके कक्ष में बिहार विधानसभा के सभी नेता, विरोधी दल जितने लोग हैं, सब लोगों के साथ जाकर के मिले कि भैया आप समय लीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर 1 हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है।